हेलो एवरीवन, तो वापस से आप सबका वेलकम है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत कर चुके थे हम लास्ट वीडियो में, तो हमारे पास ये सेकंड वीडियो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आई होप कि आप सबने वो वीडियो देखी होगी। तो अगर किसी के कोई डाउट्स नहीं है तो वेरी गुड, बट अगर फिर भी किसी के कोई डाउट हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप सब मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आज हम शुरुआत करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसको 5 स्टार कर दो, 10 स्टार कर दो, जितने मर्जी स्टार करना है उतने मर्जी स्टार कर सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे पास, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करेंगे ना, तो हम जनरली यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब वो एलिमेंट जिनके पास क्या होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, चाहे इनकी ग्राउंड स्टेट में हो चाहे इनकी एक्साइटेड स्टेट में हो, बस पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए बस। यानी D1 से लेकर D9 तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली कैटेगरी बोलते हैं, क्लियर। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब हुआ जिनके पास D1 से लेकर D10 तक की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डी शेल में फिल किए जाएं, उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी इस कंडीशन में D10 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी इन्वॉल्व है, यानी जो हमारे लास्ट के मेंबर है जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो इतना रिव्यू हमारे लिए काफी है, तब हम आगे शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे भाई हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर, या फिर मैं बात करूँ जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। यानी जितनी हम बचपन में मेटालिक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं वो सारी के सारी मेटालिक प्रॉपर्टीज हमारे पास ये सारे ही एलिमेंट्स फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पास था कि भाई जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे लस्टरस इन नेचर होते हैं, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक वो होती है, चमक होती है ना। देन जितने भी मेटल्स होते हैं वो अच्छे खासे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, है ना, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। देन हमने पढ़ रखे कि भाई मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस इन नेचर होते हैं, देन इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मेटल्स जितने भी होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, देन ये मिलिएबल होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास उन सबके, यानी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर मैं बात करूँ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ये मेटालिक प्रॉपर्टी तो फॉलो करेंगे, और इनसे क्वेश्चन आने भी नहीं वाला है ना, ये बच्चों वाली चीजें हैं। तो हमारे पास जो हम सबसे पहले आज बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या बात करने जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो यार ये हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये हमें बचपन से पता है। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो एक्सेप्शनली बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं हमारे पास, लाइक क्या बोलते हैं, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बट जनरली मेटल्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। तो इसकी वजह से ये लो वोलाटाइल होते हैं, यानी इनकी वोलाटाइलिटी बहुत ही लो होती है। अब लो वोलाटाइलिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, है ना। बट यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी ये ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। ये किसकी प्रॉपर्टीज है, फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। अब जिनको हमने ट्रांजिशन मेटल में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती। यानी ये कैसे हैं,
ये हमारे पास सॉफ्ट मेटल्स हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। और अगर हमें ज़्यादा अच्छे से पता हो तो हमें ये भी पता है कि भाई मरकरी जो है वो क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है हमारे पास जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। यानी ये जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट इज लो, है ना। अब भाई ऐसा क्यों कि ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट ये जो मेटल्स हैं हमारे पास इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, तो ये किस खुशी में हो रहा है हमारे पास। तो भाई ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास वो किस रीजन की वजह से होती है हमारे पास, तो इनका रीजन है हमारे पास एटमाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उन सबको हम कुछ सीरीज में पढ़ते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, है ना, इन सीरीज में हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो मेटल्स हैं उनके अंदर एटमाइजेशन एंथैल्पी का बहुत ज्यादा रोल होता है। अब भाई कॉमन सेंस लगाओ कि मेटल्स हैं तो मेटल्स के पास कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटैलिक बॉन्डिंग होगी, है ना, मेटैलिक बॉन्डिंग। अब इस मेटैलिक बॉन्डिंग के लिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो उतने ही स्ट्रोंगर इंटरैक्शन होगी, स्ट्रोंगर इंटरैक्शन बिटवीन एलिमेंट्स, तो उतने ही स्ट्रोंगर मेटैलिक बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से अगर हमें उसे ब्रेक करना है तो उसको उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हायर एटमाइजेशन एंथैल्पी होगी। क्लियर, इतनी चीजों को दिक्कत इतने के अंदर, आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई हमारे पास, है ना। तो हमारे पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंगर इंटरैक्शन होगी दो एलिमेंट्स के बीच में, दो मेटालिक एलिमेंट्स के बीच में, जिसकी वजह से उतनी स्ट्रोंगर मेटालिक बॉन्डिंग होगी और इसीलिए हमारे पास हायर मेटालिक बॉन्डिंग है और इसीलिए हायर एटमाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो इसी रीजन की वजह से इनका फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। अब लास्ट टाइम पर भी याद करो तो मैंने बताया था और मैं दोबारा भी बता रही हूँ कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या फिर मैं बात करूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, है ना, जितने भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं जनरली हम ट्रांजिशन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सारी ही प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, है ना। और ये कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, तो ये होता है हमारे पास पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट यानी जो पिछली एनर्जी लेवल का होता है, यानी एन माइनस वन डी ऑर्बिटल। तो भाई सीधी सीधी बात है मेरे पास कि अगर मेरे पास ये एन माइनस वन डी ऑर्बिटल, यार एक चीज क्लियर हो जाएगी ना तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। बट अगर फिर भी किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो कृपया करके मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डालो, मैं पक्का सॉल्व करूंगी। एंड फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बट टॉपिक क्लियर कर लो, ऐसा नहीं कि हम बस रट रहे हैं दिमाग खराब, रटने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, स्पेशली इनऑर्गेनिक है, रिएक्शन तो हमें रटने ही होते हैं कुछ कुछ, है ना। बट जो कंसेप्ट है वो तो हम एटलीस्ट समझ सकते हैं ना। तो एन माइनस वन डी ऑर्बिटल के अंदर जितने ज्यादा मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही स्ट्रोंगर इंटरेक्शन होगी, ताकि जो ऑर्बिटल है वो फिल किए जा सके। हमारे पास अगर फिल्ड ऑर्बिटल होंगे तो हमारे पास इंटरैक्शन कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल इसका अनपेयर्ड है, दूसरा ऑर्बिटल इसका, ये कोई एलिमेंट है एक्स, ये कोई एलिमेंट है वाई, एक इसका भी अनपेयर्ड कंडीशन है, इसकी भी अनपेयर्ड कंडीशन, अब जब दोनों में इंटरैक्शन होगी
तब तो मेरे पास दोनों के लिए ही हमारे पास ये फुल्ली फिल्ड कंडीशन हो जाएगी ना, एक्स वाई बनेंगी। बट अगर इसका सपोज कोई एलिमेंट है ए जिसके पास फुल्ली फिल्ड प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट है बी जिसके पास भी फुल्ली फिल्ड प्रेजेंट है, अब वो कहाँ से इंटरेक्शन हो सकता है? अब बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगी और उतना ही हायर हमारे पास एटमाइजेशन एंथैल्पी होती है। क्लियर? इतनी चीजों का दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब जब हम अपनी बुक में ट्रेंड देखेंगे, है ना, हमारी बुक में बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, तो अगर आप सबके पास बुक है तो अपनी अपनी बुक के अंदर एटमाइज सॉरी मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी, उसकी फिगर देख सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। स्ट्रेट लाइन बनाना सबसे मुश्किल काम है। ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स यहां पर मैं शो करती हूँ एटॉमिक नंबर और यहां पर मैं शो कर रही हूं इनका मेल्टिंग पॉइंट, राइट। अब जब ना हम देखते हैं फिगर के अंदर, तो 3D सीरीज 4D सीरीज का भी मैं बता दूंगी, पर जनरली सबसे पहले मैं बताऊं यार, ये हमारे पास पहले इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ, उसके बाद फर्दर इंक्रीज हुआ, फिर हमारे पास थोड़ा स्लाइट डिक्रीज, कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप, एंड फिर फर्दर डिक्रीज हो गया, राइट। थोड़ा मैं इनको चिपका दूं, ये एनसीईआरटी मेरे पास है नहीं अभी, अदरवाइज मैं फिगर शेयर कर देती, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास इस कर्व को कोई बात नहीं, ये मैंने कौन सी सीरीज के लिए बनाया, पहले हम 3D सीरीज में बात करते हैं ना, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये 3D सीरीज का है, राइट। यहाँ पर मेरे पास पहला मेंबर 3D सीरीज का, यार मैंने बताया था बेसिकली कि एटलीस्ट याद रखना, तो स्कैंडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वहां पर हम बात नहीं कर रहे, दो से शुरुआत कर रहे हैं, टाइटेनियम से, वेनेडियम से, क्रोमियम से। देन जो हमारे पास नीचे डेप्थ है वो है मैंगनीज, फिर है हमारे पास आयरन, बीच में कोबाल्ट, देन निकेल, देन हमारे पास वापस से कोई कॉपर, तो कॉपर मैं नीचे की तरफ ही दिखाती हूँ, जिंक का तो बहुत कम है, तो उसको एकदम एंड पर होगा हमारे पास, राइट। ये हमारे पास 3D सीरीज है। अब ध्यान से देखते जाओ, एक सीरीज में समझ में आएगा तो बाकी समय तो आराम से ही समझ में आ जाएगा। 3D सीरीज क्या क्या एलिमेंट है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अरे यार स्पेस ही नहीं होती यहाँ पर तो। ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ से लिखती हूँ मैं। 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर,
जिंक। अब जिंक मेरे पास ट्रांजिशन है नहीं, इसलिए उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं समझा रही हूँ तो इसको भी मैं इंक्लूड करके समझा रही थी, राइट। अब अगर मैं इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D1, 3D2, 3D3, ये है 4S1, 3D5, राइट, मैंगनीज 4S2, 3D5, आयरन 3D6, कोबाल्ट 3D7, निकल 3D8, कॉपर 3D9 एंड जिंक 3D10। क्लियर। अब इनमें ना आराम से ध्यान से देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। यानी यहां से लेकर यहां तक, एक सेकेंड, ये 5 की जगह 6 अपियर हो रहा है, इसको थोड़ा दोबारा से ना करते हैं, ये है 5, है ना। यानी स्कैंडियम से क्रोमियम तक इंक्रीज हो रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज हो रहे इलेक्ट्रॉन, है ना। और फिर मैग्नीज से जिंक तक डिक्रीज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसीलिए ध्यान से देखो तो क्या टाइटेनियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा अनपढ़ इलेक्ट्रॉन किसके पास प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसके पास प्रेजेंट है, क्रोमियम के पास, राइट। क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है हमारे पास, और वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, सॉरी क्रोमियम के अंदर मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, राइट। अब भाई हमें दिमाग में आएगा कि हमारे पास मैंगनीज के पास 5 ही है, आयरन के पास 4 है, तो भाई फिर मैंगनीज क्यों डेप्थ पर है, उसके पास तो फिर भी आयरन से ज्यादा है हमारे पास, है ना। तो रीजन ये है कि मैग्नीज के कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 नहीं है, बट 3d5 है, और 3d5 कैसी है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारे पास क्या होती है, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। 3d हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, ये दो हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जिसके अंदर हमने बोला है कि भाई वो कभी भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहते। तो क्रोमियम के कंपैरिजन में इसके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण हमारे पास यहाँ पर मैंगनीज की कंडीशन के अंदर जो इंटर अटोमिक इंटरैक्शन होती है वो क्या होती है, वीकर होती है। इंटर अटोमिक इंटरैक्शन इज वीकर इन केस ऑफ मैंगनीज, तो इसीलिए क्रोमियम से डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास डिक्रीज आ जाता है, राइट। अब हमारे पास फेरस की कंडीशन के अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड वो तो डिक्रीज है, लेकिन क्या इसके पास कोई हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड स्टेबिलिटी है, नहीं है, जिसकी वजह से इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आराम से पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए इसका जो इंटरैक्शन है वो हायर है एज कंपेयर टू मैंगनीज, लेकिन इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू क्रोमियम क्या है, डिक्रीज है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, क्रोमियम वेनेडियम से कम है लेकिन मैंगनीज से क्या है, हायर है, राइट। तो हमारे पास इसीलिए बाकी के जो एलिमेंट्स उनके कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन मैंगनीज से इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है। अगेन कोबाल्ट, निकल, कॉपर, अब यहाँ पर क्या होने लगा, धीरे 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 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वापस से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड एंड तक जाते जाते कॉपर के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, एक। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या स्कैंडियम को मैंने इंक्लूड किया है, उसके पास भी एक ही है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम है यार, और मैंगनीज के पास तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो तो जीरो है इन केस ऑफ जिंक, तो इसीलिए जिंक का तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ही कम होना है, इसीलिए जिंक के हमारे पास सॉफ्ट मेटल कैटेगरी में आता है, राइट। तो आई होप कि 3D सीरीज का ये हमारे पास जो ग्राफ है
वो इस तरह से zigzag वाले फॉर्म में क्यों है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। अब दूसरी बात हमारे पास कि जो ग्राफ है, दोबारा से थोड़ा ग्राफ पे चलते हैं, मैं नीचे वाला ग्राफ यूं zigzag ही बना देती हूँ, है ना, ये यूं था, अरे यार यूं था, फिर यूं था, फिर यूं था, राइट। अब जो 4D सीरीज है हमारे पास, 4D सीरीज का ग्राफ अगर ध्यान से देखो तो उनका ग्राफ ना, ये किसका ग्राफ था, 3D, अच्छा मैं बाद में लिखती हूँ, इससे नीचे चला जाएगा, है ना। और 5D सीरीज का इससे भी ऊपर होता है हमारे पास ग्राफ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, बट जो ट्रेंड मुझे समझाना था ना, मैं 3D में समझा चुकी हूँ, वही सेम ट्रेंड इन सब में भी फॉलो हो रहा है हमारे पास, राइट। तो ये है मेरे पास 5D सीरीज, ये है मेरे पास 4D सीरीज, ये है मेरे पास 3D सीरीज, ये क्या था मेरा मेल्टिंग पॉइंट, और ये था हमारा एटॉमिक नंबर, है ना। ये हमारे पास जो पीक है, ये टंगस्टन की पीक है, याद होगा बचपन में हमने पढ़ा था कि जितने भी बल्ब होते हैं उनके फिलामेंट किसके बनाए जाते हैं, टंगस्टन के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो इस रीजन की वजह से टंगस्टन के बनते हैं। अब हमारे पास भाई जो 4D एंड 5D सीरीज है, 4D एंड 5D, एंड 5D सीरीज का 4D से भी, तो इनके पास हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन 3D सीरीज, ये किस रीजन के कारण। तो हमारे पास जो 4D सीरीज एंड 5D सीरीज है, ध्यान से देखो, 3D सीरीज सबसे पहली सीरीज थी, उसके बाद आई मेरे पास 4D सीरीज, देन आई मेरे पास 5D सीरीज, देन आई मेरे पास 6D सीरीज। तो नीचे जाते जाते जो 4D, 5D, 6D, ये सारे हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल तो वैसे भी हमारे पास डिफ्यूज ऑर्बिटल है ना, बट इनमें भी 4D, 5D, 6D वाले क्या है, बहुत ही लार्जर डी ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू 3D, जिसकी वजह से इन ऑर्बिटल के पास क्या हो जाएगा, हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम जेड इफेक्ट हो जाएगा हमारे पास, है ना, जिसकी वजह से हमारे पास जो वैलेंस शेल होगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होंगी, न्यूक्लियर फोर्सेस हायर होंगी, हायर ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन होगा बिटवीन एलिमेंट्स, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, एंड इस स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन के कारण जो हमारे पास एटमाइजेशन एंथैल्पी है, एटमाइजेशन एंथैल्पी वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास फाइनली इस रीजन के कारण एटमाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा, तो इसीलिए 4D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट 3D से भी ज्यादा है, फिर 5D का 4D से ज्यादा है, इसी तरह 6D का 5D से भी ज्यादा होगा। अब हमें ना यहाँ पर दिख रहा होगा कि 3D एंड 4D के बीच में तो बहुत ज्यादा गैप है, लेकिन 5D एंड 4D के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, तो ये गैप क्यों ज्यादा नहीं है वो हमें अभी आगे क्लियर हो जाएगा, बट आई थिंक कि मेल्टिंग पॉइंट का रीजन जो है वो हमारा यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है खत्म। देन
जब हमने पीछे बचपन में, मतलब बचपन का मतलब 11th क्लास में, जब हमने 11th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पढ़ी होगी, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी आगे भी आएगा, अभी बस एटमाइजेशन है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मेटल्स के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके तीन पैरामीटर्स होते हैं, है ना, तीन इंथैल्पीज होते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, एटमाइजेशन इंथैल्पी, एटमाइजेशन इंथैल्पी। दूसरा हमारे पास क्या होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एंड तीसरी हमारे पास क्या है, हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो अब तक हमने सिर्फ पहली इंथैल्पी की बात की है, एटमाइजेशन इंथैल्पी, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं, हम अगर सम अप करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, इंटरैक्शन यानी स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या होगी, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर वर्ड वैसे यहाँ पे ज्यादा सूट नहीं करेगा, हमें हायर लिखना चाहिए, तो हायर एटोमाइजेशन इंथैल्पी, है ना, हायर एटमाइजेशन इंथैल्पी, जिसकी वजह से। अब भाई हमारे पास एटमाइजेशन इंथैल्पी हायर है, तो अगर किसी भी मेटल की एटमाइजेशन बहुत ज्यादा है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, अच्छे से नहीं लिखा मैंने, नेक्स्ट पे लिखती हूँ मैं, तो यानी उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, बहुत हाई हो जाएगी अभी के कंपैरिजन में। अब जब हम आगे देखेंगे तो हम दोनों बाकी जो तो फैक्टर है हमारे पास, हाइड्रेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी बात करेंगे। अभी के अकॉर्डिंग हम ये बात कर सकते हैं कि जो एटमाइजेशन एंथैल्पी है वो भी एक मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या है, ज्यादा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है हमारे पास, हायर हो जाता है। तो यानी जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, ये कुछ कुछ रिएक्शंस में अपने जनरली क्या हो जाता है, नोबल हो जाता है, नोबल टू सम ऑफ देयर रिएक्शंस, राइट। तो भाई इसका रीजन वापस से क्लियर हो गया, रीजन क्या हमारे पास, हायर एटमाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हायर, और इसीलिए ये अपने रिएक्शंस के अंदर नोबल बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। ओके नेक्स्ट, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस। क्लियर इतनी चीज, तो एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस के अंदर हमें इतनी चीज पता है कि जो हमारे पास एटॉमिक साइज का ट्रेंड होता है, सेम ट्रेंड हमारे पास आयनिक साइज का भी होता है ना, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, तो हम इसलिए एक ट्रेंड पढ़ेंगे, उससे हमारे पास बाकी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो भाई जो क्या बोलते हैं, आयनिक साइज का बात करेंगे, उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते, तो हम इसमें सेम चार्ज कंटेनिंग आयन की ही बात करेंगे, उसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जैसे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के अंदर हमने पढ़ा, यानी जो हमारे मेन ट्रांजिशन सॉरी मेन एलिमेंट्स थे उनके अंदर हमने देखा है कि भाई जैसे जैसे इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर होता है वैसे वैसे डिक्रीज इन रेडियाई होने लग जाता है,
है ना, तो ये ट्रेंड यहाँ पर भी फॉलो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ट्रेंड यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ऐसा ही होगा हमारे पास। तो हर बार हमने डी ब्लॉक बोला, तो डी ब्लॉक का मतलब ही क्या था बेसिकली, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकर इन कौन से शेल में होती है, एन माइनस वन डी ऑर्बिटल में होती है, राइट। एन माइनस वन डी ऑर्बिटल के अंदर हर बार एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता जाएगा, जिसकी वजह से भाई हर बार एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यानी वन यूनिट का पॉजिटिव चार्ज भी तो ऐड होगा, यानी जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए, है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स, तो इन डी ऑर्बिटल्स के पास क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अभी अभी हम एटमाइजेशन में भी देख चुके हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से भी मेरे पास क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, और इसलिए भी साइज क्या होगा मेरा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। इतने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो ना, अगर हम वापस से, इसमें भी हमारी बुक में एक ग्राफ बना होगा, आप सब देख सकते हो एटॉमिक साइज वाला, तो वहां पर आराम से चीज देख जाएगी कि जो ट्रेंड होता है हमारे पास वो थोड़ा ना अजीबो गरीब सा होता है। अजीबो गरीब सा का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि यहाँ पर मैंने बोला कि साइज डिक्रीज इंक्रीज, मतलब साइज डिक्रीज हो रहा है, हमें इंक्रीज भी दिखेगा, बट ये जो वेरिएशन होते हैं, कि हम सीरीज पढ़ रहे हैं, तो वेरिएशंस इन सीरीज आर वेरी स्मॉल, ज्यादा का वेरिएशन नहीं होता हमारे पास, राइट, कि भाई बहुत ज्यादा ज्यादा का चेंज होने लग जाएगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ देखेंगे, नेक्स्ट वी बात, यहाँ पर आप सब एक बार बुक में भी देख लेना ग्राफ, ऐसा नहीं है कि गलत बनाऊंगे, लेकिन फिर भी अगर देखना चाहो देख सकते हो। हमारे पास जो इसका कर्व होता है वो इनिशियली डिक्रीज होगा एंड देन इंक्रीज होगा, है ना। ये हमारे पास है 3D सीरीज का, उसके बाद 4D सीरीज के अंदर, 4D सीरीज का प्रोसेस है तो बड़ा होना चाहिए हमारे पास, ये है हमारे पास 4D सीरीज का, एंड देन हम देखें 5D सीरीज का, थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा, बीच में तो मेरा हाथ हल रहा है इसलिए थोड़ा सा यूं टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। ये है मेरे पास 5D सीरीज का, है ना। तो हमारे पास अब हम ट्रेंड देखते हैं, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है मेरे पास, एटॉमिक रेडियस, क्लियर। इनिशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज इन रेडियस है, डिक्रीज इन रेडियस, एंड देन क्या है मेरे पास, इंक्रीज इन रेडियस है, है ना। तो पहले इस चीज को समझते हैं कि भाई, उसके बाद हम 4D एंड 5D की ओवरलैपिंग को समझेंगे, कि इनिशियली रेडियस डिक्रीज हो रहा है, बाद में रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो वापस से यहाँ पर मैं सारे एलिमेंट्स की कॉन्फिगरेशन नहीं लिखूंगी, स्कैंडियम टू मैंगनीज एंड देन कॉपर, यहां तक लिख दूं, तो स्कैंडियम टू क्रोमियम लिख देते हैं, क्रोम, यहां तक क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे ना, यानी जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स कैसे हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड।
अभी ये सिंगली ऑक्यूपाइड होने में, अभी अभी मैंने बताया कि n माइनस वन डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर हर बार एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है ना, वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड राइट एवरी टाइम, जिसकी वजह से मैंने बोला कि भाई जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज कि डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है मेरे पास, न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस शेल इंक्रीज हो रहा है और इसीलिए साइज डिक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास है कि इनिशियल डिक्रीज क्यों है रेडियाई में, उसका पूरा रीजन क्लियर इतनी चीज। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरे हाफ जो हमारे पास इंक्रीज इन रेडिया दिखा रहे हैं, यानी हमारे पास जो मैंगनीज है वहां तक तो डिक्रीज ही था, बट मैंगनीज से कॉपर एंड जिंक तक जाते जाते हमारे पास इंक्रीज होने लग गया रेडिया। ऐसा क्यों? तो भाई मैंगनीज के पास D5, क्रोमियम के पास D6 कॉन्फिगरेशन है राइट, एंड कॉपर के पास क्या है, D1 कॉन्फिगर, वैसे कॉपर D10 हो जाता है बट 4s की अगर मैं बात करूं तो 4s के अंदर क्या है, 1D10, कॉपर से पहले निकल तक मैं बात कर लूँ, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास क्या है, 4s2 3D8, यानी अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन राइट, जिसकी वजह से अब मेरे पास क्या और है, दूसरे हाफ का मैं इधर लिख रही हूँ, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होने का है ना। इंक्रीज होने में क्या और बेसिकली कि डी ऑर्बिटल में क्या शुरू हो चुकी है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो चुकी है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टार्टेड। और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अभी भी ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से अभी भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, बट जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ये इस इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर रही है, आउटवे कर रही है ना, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट क्या होगा मेरे पास, फाइनल रिजल्ट के तौर पर मेरे पास जो साइज होगा वो लिटिल बिट इंक्रीज कर जाए। क्लियर इतनी चीज का दिक्कत इतने के अंदर नहीं, कोई दिक्कत। तो अब मेरे पास भाई इनिशियली क्या था, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो जो मेरा पॉजिटिव चार्ज था वो भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास बढ़ गया और इसीलिए साइज क्या हो गया मेरा, डिक्रीज हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, उसी ऑर्बिटल न्यूक्लियर फोर्स अभी भी इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, और वो अभी भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इस ऑर्बिटल के अंदर क्या शुरू हो चुकी है, पेयरिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रिपल्शन हो गया, हर इस रिपल्शन की वजह से साइज क्या हो जाएगा मेरे पास, इंक्रीज कर जाएगा राइट। तो ये हमारे पास रीजन है, जो हमारा ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर जो हम अजीब सा ट्रेंड देख रहे हैं कि भाई इनिशियली डिक्रीज इन रेडिया है एंड बाद में इंक्रीज इन रेडिया है। क्लियर इतनी चीज, बीच में दोनों ही थोड़ा सा कॉन्स्टेंसी शो करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो इंक्रीज इन सॉरी पेयरिंग की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो, एंड जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो, दोनों ही एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास ग्राफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट हो जाता है। अब हम आते हैं 4D एंड 5D ऑर्बिटल्स जो हैं, इन दोनों का इतना ज्यादा कम मतलब हम डिफरेंस देख सकते हैं एटॉमिक साइज के अंदर, यानी हम बोल सकते हैं कि भाई 4D एंड 5D सीरीज जो है एक दूसरे के ओवरलैप है हमारे पास, है ना, यानी इनके रेडिया के अंदर ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, वर्चुअली सेम ही है दिमाग। तो ऐसा किस रीजन की वजह से 4D एंड 5D elements have virtually same atomic radius, इसका रीजन क्या है? तो यार याद करो हमारे पास कि जो 4D सीरीज है
है ना, 4D सीरीज 3D सीरीज से तो ऊपर है, यानी 4D सीरीज का तो अपना नॉर्मल नॉर्मल एटॉमिक रेडियाई है ना। अगर मैं ग्राफ दोबारा से दिखाऊं आपको, ध्यान से देखो, 3D सीरीज का एटॉमिक रेडियाई अपना कुछ था, उससे इंक्रीज ही है मेरे पास 4D सीरीज, बट 4D सीरीज को ओवरलैप तो 5D कर रहा है ना, यानी 5D सीरीज का मैं जनरली देखो तो भाई 5D कुछ यहाँ से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ की वजह यहाँ से शुरू हो रहा है, किस रीजन की वजह से, वो रीजन हमें देखना है। तो हमारे पास अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं, तो 5D सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर किस में हो रहे हैं, 5D और बाइटल में हो रहे हैं। तो अगर मुझे ऑफ बाउ प्रिंसिपल याद हो, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता था, ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमें बताता था कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में फिल किए जाते हैं, राइट। यानी यहाँ पर हम अगर n+l रूल लगाऊं, तो n+l रूल के अकॉर्डिंग 5D की एनर्जी ज्यादा है किससे, 4F से, है ना। अगर मैं n+l रूल करूं, n+l, तो 4F के लिए n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू f के लिए कितनी, 3, सम कितना आ गया 7। 5D के लिए n की वैल्यू 5, d की 2, तो 7, सम कितना आ गया 7। अब भाई n+l अगर सम सबका सेम आए, तो जिसकी n की वैल्यू हायर उसकी एनर्जी भी हायर, यानी 5D की एनर्जी ज्यादा है 4F से, यानी 5D से पहले किसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होंगे, 4F में। तो हमारे पास 5D सीरीज से के अंदर से ही इनर ट्रांजिशन सीरीज आती थी, इनर ट्रांजिशन सीरीज, है ना, कौन सी, 4F सीरीज, लेंथनॉइड सीरीज, क्लियर इतनी चीज। एंड सिमिलरली 6D की जब हम बात करेंगे, तो वहां पर आएगा मेरे पास एक्टिनॉइड सीरीज, यानी 5F सीरीज, राइट। तो मेरे पास 5D और बाइटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रही है, लेकिन बिफोर 5D 4F और बाइटल इज बीइंग फिल्ड इन 4F सीरीज दैट इज लेंथेनॉइड सीरीज, राइट। इतनी चीज। अब 4D 5D सीरीज की हम बात करते हैं कि भाई उनका बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बट 4F और बाइटल जो होगा इसका तो भाई D से भी बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो यानी इनका भी क्या होता है हमारे पास, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्लियर इतने चीज। अब इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट से जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक साइज है उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज है इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर इतनी चीज। और इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर रेडी। अब भाई अगर रेडियाई सेम है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर ट्रेंड शो करने लग जाएंगे हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास इनके सिमिलर रेडियाई होने के कारण ही इनकी बाकी की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, अगर हम हमारे पास सिमिलर रेडिया की वजह से, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, चार्जेस टू डेंसिटी रेशियो हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी हो गई, यानी मैं अगर सम अप करके बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज शो सिमिलर ट्रेंड, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हटकर ये सिमिलर ट्रेंड शो करेंगे, जिसका हमारे पास बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है 4D सीरीज के अंदर हमारे पास
शुरुआत होती है ये ट्रिबियम से, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है जिरकोनियम। एंड 5D सीरीज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास पहला मेंबर क्या है, लेंथेनियम। उसके बाद क्या होता है मेरे पास, हॉफमेन। तो लेंथेनियम के बाद से लेंथेनॉइड सीरीज होती है ना। अब ऐसा भी नहीं होता यार कि हमने कुछ लेटर दिया और उसको हम डायरेक्टली हर जगह पर अप्लाई करते हैं ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होता है। लेंथेनॉइड सीरीज लेंथेनियम के बाद से होती है, यानी लेंथेनियम में तो 5D के अंदर 1 है, उसके बाद मेरे पास 4F ऑर्बिटल फिल होगा लेंथेनॉइड में। क्लियर इतनी चीज? यानी जो हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, लेंथेनियम के बाद जो हमारे पास सेडिमेंट आते हैं उनमें। यानी इसका इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है, हॉफमियम पे पड़ने वाला है। क्लियर इतनी चीज? यानी जिरकोनियम का जो साइज था अपना नॉर्मल वो तो होगा ही, बट हॉफमियम भी जिरकोनियम के सिमिलर रेडिएशन करता है। यानी जिरकोनियम का जो हमारे पास साइज होता है वो कितना होता है, 160 पिकोमीटर, एंड हॉफमियम का साइज कितना होता है हमारे पास, 159 पिकोमीटर। तो हो गया ना हमारे पास सिमिलर। तो हमसे जनरली क्वेश्चन वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर पूछ सकते हैं, नहीं तो वो हमसे जब पूछेगा कि भाई व्हाई जिरकोनियम एंड हॉफमियम हैव सिमिलर रेडियस, है ना, तो हमसे वो एटॉमिक नंबर भी देंगे जिरकोनियम का एंड हॉफमियम का, एंड फिर वो बोलेंगे भाई इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट फिर भी इनका एटॉमिक रेडियस जो है, साइज जो है, वो इतना सिमिलर क्यों है। तो भाई हमें वहां पर, क्योंकि केमिस्ट्री की रीजनिंग ज्यादा लंबी कहानी नहीं लिखनी होती, तो वहां पर हमारे पास सीधा रीजन आएगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 1 मार्क में पूछते हैं, ज्यादा में पूछते भी नहीं है। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, तो भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, 4F में फिलिंग हो रही है, जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है हमारे पास, जिसकी वजह से जो हमारे पास साइज होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और ये हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज की वजह से हो रहा है, यहाँ पर 4F में फिलिंग हो रही है, इसलिए 5D का साइज ऐसा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी वजह से सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि जितनी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी यही ऑर्डर फॉलो करेंगी। यानी मेरे को जिरकोनियम और हॉफमियम दे, या फिर इसके बाद हमारे पास जिरकोनियम के बाद कौन सा मेंबर होता है, नाइओबियम, और नीचे क्या हमारे पास, थैलियम। तो इन दोनों में बोले तो इन दोनों में भी हमारे पास सिमिलर, यानी इनके बाद के जितने भी हमारे पास एलिमेंट के तुम्हें ग्रुप देंगे उन सबके अंदर हमारे पास सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है। कोई दिक्कत इतने के अंदर? आई होप कि इसमें कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं होगी, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, मेनली जो चीजें थी वो हमारे पास इतनी थी। तो अब अगर हमने एटॉमिक रेडियस की बात की है, तो यहाँ से दूसरी बात क्या आती है हमारे पास, डेंसिटी की, है ना। तो भाई डेंसिटी फॉर्मूला दिमाग में रखो, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। क्लियर इतनी चीज? तो अलोंग दी सीरीज अगर मैं बात करूं, अलोंग दी सीरीज, तो भाई इनिशियली जो वॉल्यूम था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, है ना, बट फाइनली इनिशियल था मेरे पास ये, फाइनली क्या हो गया, ड्यू टू, कोई नहीं इरेज करते हैं हम इसको। तो फाइनली हमने देखा था ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हमारे पास जो वॉल्यूम था वो क्या होने लग गया था, इंक्रीज होने लग गया था, है ना। तो हमारे पास ये जो रेडियस का वो होता है हमारे पास, उसी को हम रिलेट करके यहाँ पर डेंसिटी के टर्म्स में देख लेते। तो यानी हमारे पास रेडियस इंक्रीज हो रहा था फाइनली बाद में ना, लेकिन इनिशियली हमारे पास क्या हो रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। तो अगर मेरा वॉल्यूम डिक्रीज है बट मास तो भाई हर एक बार इंक्रीज हो रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज तो हर बार बढ़ रहा है, तो यानी अल्टीमेट इफेक्ट जो होता है हमारे पास वो मास का इंक्रीज ले जाता है अपने साथ, जिसकी वजह से मैं क्या बोलूंगी कि जो डेंसिटी है मेरी वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अलॉन्ग द पीरियड वॉल्यूम, क्योंकि हमने बोला भाई इसका भी रेडियस जो है इसके इसका जो ट्रेंड होता है वो बहुत ही स्मॉलर वेरिएशन है ना, रेडिया का वेरिएशन बहुत स्मॉल है, बट अल्टीमेट वेरिएशन जो है हमारे पास वो कितना आता है कि रेडियस डिक्रीज हो रहा है,
जिसकी वजह से वॉल्यूम भी क्या है डिक्रीज हो रहा है, और मेनली जो मास है वो मेरा अलोंग द पीटल जाने पर फुल्ली इंक्रीज ही हो रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी भी मेरे पास क्या होगी इंक्रीज होगी। यानी अलोंग द पीरियड अगर हम मूव करें फ्रॉम स्कैंडियम और टाइटेनियम टू हमारे पास कहाँ तक कॉपर तक, तो हमारे पास क्या होगा डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्लियर इतनी चीजों को दिक्कत इतने के अंदर नहीं को दिक्कत। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ तक में अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कृपया करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे आंसर करने में, बट उसके लिए आपको दिक्कत होनी चाहिए है ना, और दिक्कत भी ऐसा होना चाहिए कि भाई वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बीच में से पूछ लिया, हमने देखा ही नहीं ढंग से, क्योंकि एटलीस्ट मैंने अपने अकॉर्डिंग पूरा कंसेप्ट इस तरह से सॉल्व किया है कि अगर किसी पॉइंट पर दिक्कत आ भी रही होगी ना तो दूसरी लाइन सुनने पर वो दिक्कत अपने आप सॉल्व हो जाएगी। राइट, ओके, तो पढ़ते रहिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।